with our English grammar subject. Okay, in that we are going to do the writing section. So now over here, first of all, we'll be starting with the letter writing. Okay? Why? Because letter writing is something new for you that you'll be learning from standard third. आपने essay writing already किया है first second से आप essay writing करते आ रहे हो. So we'll do it later. Today we'll start with the letter writing. Okay? अब letters होते हैं. First of all, letters हम लिखते क्यों हैं? ठीक है? कुछ अभी तो in today's time we are not writing letters and all, but पहले like in our old times letters बहुत ज़्यादा use होते थे. Like कुछ information देने के लिए या something कुछ invitation and all, उन सब purpose से लिए letters बहुत ज़्यादा use होते हैं. So now first of all letters are of two types. ठीक है? Letters होते हैं दो type के, जैसे informal and formal. Okay? अब what are informal letters? Informal letters वो होते हैं जो आप you can write to your family, relatives and friends. ठीक है? वो होते हैं informal letters. मतलब आपके कभी पापा मम्मी को letter लिखा कुछ when you are staying somewhere outside या friends को लिखा. Okay? That are informal letters. जो हम फैमिली फ्रेंड्स इन सबको लिखते हैं. एंड रेस्ट फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम ऑफिशियल लीगल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कहीं अप्लाई करने के लिए फॉर द जॉब या फिर कुछ लीव्स के लिए. उन सब पर्पस के लिए हम फॉर्मल लेटर्स यूज करते हैं. ऑफिस जॉब ऑफिस में लेटर्स लिखने के लिए उन सब में जो यूज होते हैं दैट आर फॉर्मल लेटर्स. उन सबका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में फॉर्मेट इज डिफरेंट. ठीक है? मेन चीज इज यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट. अब फॉर्मेट क्या होता है कि हमको किस पैटर्न में लेटर लिखना है एंड वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा स्ट्रिक्टली. ठीक है? कि लेटर किस वे में लिखना है, बिकॉज एक भी लाइन इफ समवेयर इज दैट मिस्टेकन तो उसके आपको मार्क्स के मार्क्स आप ही कट. ठीक है? तो उसमें आपको फॉर्मेट प्रॉपरली ध्यान से देखना पड़ेगा कि फॉर्मेट फॉर्मल का कैसा है एंड इनफॉर्मल लेटर्स का कैसा है. ठीक है? कि कहाँ लाइन हमको छोड़नी है, कहाँ से कहाँ लिखना है, कॉमर्स फुल स्टॉप फुल स्टॉप्स एंड ऑल, तो वो सब लुक केयरफुली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द टेक्स्टबुक की टेक्स्टबुक में कैसा दिया हुआ है. सो ओवर हियर वी राइट लेटर्स टू शेयर आइडियाज थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर. ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आइडियाज इमोशंस थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं. टू टाइप्स के लेटर्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है? तो फॉर्मल लेटर हम बाद में लर्न करेंगे, पहले थोड़ा इजी वाला है कि फॉर्मल वो हम लर्न करते हैं. ठीक है? अब इसमें फॉर्मेट कैसा है. ठीक है? सी इनफॉर्मल लेटर कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स. इनफॉर्मल लेटर्स में ऐसे पार्ट्स होते हैं. ठीक है? जैसे सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले क्या आता है, सेंडर का एड्रेस. मतलब जो सेंडर मतलब जो लिख रहा है, जैसे अगर मैं लेटर लिख रही हूँ मेरी फ्रेंड को तो मेरा सेंडर मतलब मैं जो सेंड कर रहा है मेरा एड्रेस. ठीक है? उसके बाद वी आर राइटिंग द डेट कि हमने किस डेट पे लेटर लिखा. फिर हम लाइन छोड़ते हैं, फिर हम लिखते हैं डियर. डियर मतलब जिसको लिख रही हूँ मैं, जैसे रेसिपिएंट्स नेम. रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है. ठीक है? रेसिपिएंट्स नेम मतलब द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर. ओके? तो डियर का तो इसका नाम हम लिखेंगे. देन बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर मतलब मैंने मेन जो लेटर लिखा है वो क्यों लिखा है, लेटर लिखने का पर्पस क्या है. ठीक है? मुझे जो बोलना है वो मैं इस पे लिखूंगी, मतलब वो है बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है? देन एंड हम कैसे करते हैं, तो ये हमने आपने भी ऑलरेडी देखा होगा, योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली. योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली या ये सब होते हैं हम जो फॉर्मल में यूज करते हैं. तो दैट विल सी लेटर. यहाँ पे जैसे दो वर्ड्स मोस्टली यूज होते हैं, लविंगली एंड अफेक्शनेटली. ठीक है? मतलब तुम्हारा प्यारा जैसे हम बोलते हैं, तुम्हारी प्यारी ऐसे करके. यहाँ पे लास्ट में सेंडर्स नेम, जैसे हमने ऊपर एड्रेस दिया है सेंडर का, वैसे सेंडर्स नेम. लाइक सपोज आई एम राइटिंग द लेटर, तो यहाँ पे माय नेम का. ओके? सो दिस इज द वे वी आर राइटिंग द लेटर. ये है आपका फॉर्मेट इसका, इनफॉर्मल लेटर का. सेम वे में इन योर टेक्स्ट बुक सच टाइप इज गिवन ऑफ इनफॉर्मल लेटर. सो ये जस्ट हमको गो थ्रू करवा रही हूँ. ठीक है? जैसे इनफॉर्मल बर्थडे इन्विटेशन है, यहाँ पे ओनली द ओनली सम पार्ट इज बीन रिटन. तो ये आपका ऊपर का एड्रेस इनको है, ये मैं जो लेटर लिखवाऊंगी आपको उसमें आप लिखोगे. ठीक है? जैसे यहाँ पे इसने सोफिया पर लिखा है, डियर सोफिया यू आर इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी ऑन 1 जून 2013 एट 7 PM टू बी हेल्ड इन माय रेसिडेंस एंड फिर एड्रेस लिखा है. ठीक है? सो प्लीज डू कम विद योर फैमिली.
yours affectionately, Kavita. So this is the way ki you have to write an informal birthday invitation, matlab is aapke textbook mein hai, but isse thoda bahut different hum notebook mein likhenge, because usme humko upar jaisa humne dekha humko usme डेट लिखना है, उससे ऊपर हमको एड्रेस लिखना है, ठीक है? तो सब सच ऑल वी बी डूइंग ओवर हियर. सो सी हियर यू गो नाउ, जो मेन पार्ट है वो सब जो हमने आगे किया दैट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो जस्ट आपके लिए एक्सप्लेनेशन का. अब मेन थिंग इज दिस, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ओके, इन योर इंग्लिश ग्राम का नोटबुक, एंड प्रॉपरली आपको फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, कहाँ से लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है, ओके. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग लेटर वन, यहाँ पे आप डेट लिखोगे, अच्छी डेट लिख दोगे आप. राइट द लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन, ये आपका लेटर का क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आया ऐसे लेटर क्वेश्चन है ऐसे कि राइट द लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, मतलब आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है आपका बर्थडे सेलिब्रेशन पे इनवाइट करने के लिए, ओके. सो हियर द लेटर स्टार्ट, सबसे पहले हमने क्या लिखा था फॉर्मेट में, सेंडर्स एड्रेस, मतलब मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे खुद का, ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर मे बी पेरेंट्स कि हम हमारा एड्रेस क्या है, कैसे लिखना है, अगर किसी चीज़ को एड्रेस लिखना मुझे नहीं आ रहा हो तो. फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको अपना एड्रेस लिखना है, ये नहीं, ये मैंने उस फॉर्मेट के लिए एड्रेस दिया है, ओके. यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस ओनली, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल प्लॉट नंबर 8, अब मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, प्लॉट नंबर 8 सी पीएलओटी प्लॉट नंबर एयर हम यूज करते हैं 8 वार्ड 6A कृष्णा सोसाइटी आदि, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है एड्रेस का, तो आपको इस टाइम में एड्रेस लिखना है, ओके. फिर यहाँ पे आप एड्रेस लिख दोगे, जैसे आपका भी हाउस नंबर है सब छोटा, वो यहाँ आएगा, फिर सोसाइटी समथिंग ओवर ईयर, इसके स्कूल के बाजू में कोई गार्डन के बाजू में, मौसम यहाँ आएगा, एंड लास्ट में ओवर ओवर ईयर लास्ट टाइम आदिपुर या लालिया वॉट एवर और अंजुम, ठीक है. नाउ द मेन थिंग इज वॉट मिस्टेक्स यू पीपल मेक इज कि आप एक लाइन में एड्रेस लिख देते हो, जैसे यहाँ प्लॉट नंबर आ गया, यहाँ वार्ड आ गया, यहाँ सोसाइटी आ गया. नो चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट द एड्रेस इन दिस फॉर्मेट ओनली, पहले नंबर आता है, फिर वार्ड या ऐसा कुछ हो तो वो आता है, या फिर सोसाइटी ऐसा कुछ हो, और लास्ट लाइन में यहाँ पे अलग से रहेगा आदिपुर और नालिया और अंजार वॉट एवर वे यू लिव, ठीक है. सो नेक्स्ट इज सेंडर्स, सेंडर्स के एड्रेस के बाद क्या लिखा था हमने, डेट, यस. तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे आज की, जैसे टुडे इज 6 जुलाई 2021, तो ये हमने डेट लिखा, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लिखा था, डियर लिख के नाम लिखा, जिससे मैं मेरी फ्रेंड को लिख रही हूँ, तो डियर रिया, एंड यहाँ आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखोगे, जो भी आपके फ्रेंड्स किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है. डी ए आर डियर रिया डी कैपिटल एंड नाम है ऑफकोर्स की बात है, जैसे हमने देखा है प्रॉपर नाम उसमें, तो नाम में भी स्टार्टिंग में आप लेटर कैपिटल लिखोगे. यहाँ आदिपुर नालिया व्हाट एवर योर राइटिंग सी आई हैव रिटन इन कैपिटल्स, क्योंकि ये सब नाम है, ओके, तो ये नाम में आप कैपिटल्स यूज करोगे. प्लॉट में कोई वर्ड डब्ल्यू के एस ए ये सब क्या नाम में आएगा, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना है. उसके बाद यहाँ से आप डेट लिखना स्टार्ट करोगे ओवर योर, ठीक है. यहाँ डेट आएगा, नो कॉमा नो फुल स्टॉप हो गया, ओके चिल्ड्रन, ओके. नाउ डियर लिखा हमने, फिर हम छोड़ेंगे एक लाइन, सबसे पहले एड्रेस, फिर लिविंग वन लाइन, फिर डेट, फिर लिविंग वन लाइन, फिर डियर जो भी नाम है वो लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के अब क्या आता है यहाँ पे, यस बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, कि हमारा लेटर लिखने का मेन पर्पस क्या है. चलो नाउ वी गो थ्रू इट, आई एम, वो भी यहाँ स्नेल से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पर वो फॉर्मा कुछ तो कुछ भी नहीं लगा है. आई एम वेरी योर, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड डूइंग गुड विथ माई स्टडीज, और मेरी स्टडीज भी अच्छी चल रही है, ठीक है. एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू, और मैं तुमसे भी यही होप कर रही हूँ कि तुम हाँ तुम भी ठीक हो और तुम्हारी स्टडीज ठीक ठाक चल रही होंगी, ठीक है. आई हैव रिटन दिस लेटर, मैंने आपको ये लेटर लिखा है, फॉर
मेरी बर्थडे पार्टी पे। अब हम बताएंगे कब है बर्थडे पार्टी, ऑन 15 जुलाई, ठीक है। अब आप ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ आप आपका बर्थडे नहीं लिखो, वाई बिकॉज हम लेटर लिखते हैं कुछ दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ मैंने 6 जुलाई लिखा है, तो मुझे जुलाई के बाद ही कोई डेट बतानी पड़ेगी, ओके। सो जैसे 15 जुलाई है, आप 20 जुलाई लिख सकते हो, 30 जुलाई लिख सकते हो, वट एवर यू वांट, बट इस डेट की बात करें, और वो भी काफी लेट नहीं, सम 10-15 डेज का बात का डेट आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है। रिमेम्बर 10-15 डेज टू बी, तो यहाँ अपना बर्थडे मत लिखना, ओके। बर्थडे पार्टी ऑन 15 जुलाई एट 7 PM, ऑफकोर्स हम टाइम बताते हैं कि पार्टी देखो कब आना है, तो एट 7 PM, P.M. ठीक है, जैसे हम लिखते 7 PM टू बी हेल्ड एट माय होम, कहाँ पे, मेरे घर पे ही है, तो टू बी हेल्ड एट माय होम, वी विल हैव ग्रेट फन टुगेदर, और हमको साथ में बहुत मजा आएगा, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब एक और लाइन हम जैसे देखेंगे एंड में, प्लीज डू कम विथ योर ब्रदर। अब हम ऐसे उसका छोटा भाई है तो हम उसको भी बुलाते हैं मोस्टली, ठीक है, साथ में आना भाई है ऐसे, सो प्लीज डू कम, डू कम मतलब जरूर आना। सो आप में से भी कुछ लोग इसे प्लीज कम लिख देंगे, प्लीज कम नहीं, प्लीज डू कम मतलब जरूर आना विथ योर ब्रदर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर आपको जो चाहिए आप देख सकते हो, प्लीज डू कम विथ योर ब्रदर, देन लीव अ लाइन, फिर क्या आता है एंड में, योर्स लविंगली, मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते तुम्हारी प्यारी, वैसे योर्स में वाई कैपिटल, ओके, वाई ओ यू आर एस, योर्स लविंगली, एल ओ वी आई एन जी एल वाई, और लास्ट में आपका नाम, ठीक है, आपके ऊपर आपके फ्रेंड का नाम लिखा, यहाँ पे आएगा आपका नाम, सी जस्ट कैपिटल लिखोगे आप नाम, आपके फ्रेंड का नाम भी कैपिटल, और यहाँ से आपका नाम भी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल, ओके। यहाँ पे भी आपको लाइन छोड़नी है, योर्स लविंगली, फिर लीव अ लाइन, फिर आपका नाम, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद द फॉर्मेट, सो जस्ट सी दैट यू फॉलो द सेम फॉर्मेट, वंस मोर मैं अभी आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। राइट अ लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। सो यहाँ से योर लेटर स्टार्ट्स, सी दिस ओवर योर, यू कैन सी द होल पार्ट, कहाँ आपको लाइन छोड़ना है कहाँ नहीं, यहाँ पर एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के डियर जो भी नाम है वो, देन लिविंग लिविंग वन लाइन, आपको बॉडी लिखना है लेटर का, ठीक है। ये भी आप यहाँ भी लिख सकते हो, प्लीज डू कम विद योर फ्रेंड, डू कम विद योर ब्रदर, यहाँ भी लिख सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम ओवर हियर, देन ये बॉडी पूरा खत्म करने के बाद लाइन छोड़ के योर्स लविंग, ठीक है, योर्स लविंग अगेन लाइन छोड़ोगे एंड देन योर नेम, ओके। सो फर्स्ट एड्रेस, डेट, डियर रिया, आई एम वेल हियर, डूइंग गो एंड डूइंग गुड विद माय स्टडीज एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू, I have written this letter for inviting you to my birthday party on 15 July at 7 pm to be held at my home. We will have great fun together. Please do come with your brother and end me as I said, yours lovingly, जैसे यहाँ पे नाम है टीना, ठीक है। So children, this is a format for informal letter writing, ठीक है। तो kindly go through this properly, इसको अच्छे से देखना कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कहाँ यू हैव टू लीव द लाइन एंड कहाँ नहीं छोड़नी है लाइन, ओके। डोंट एड्रेस में बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़ना आपको चाहिए, तो यहाँ किसी किसी के राइटिंग इट्स इट्स लार्ज, तो यहाँ पे आप लाइन छोड़ सकते हो यू वॉन्ट, बट एड्रेस में आपको ऐसे लाइन्स नहीं छोड़नी है एंड बाकी आपको ऐसे लिखना है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द लेटर, दिस वॉज इनफॉर्मल लेटर एज आई सेड। सो द फॉर्मल लेटर हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू इट आफ्टर सम डे।